गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो बिस्किट मोदक, जो देखने में इतने सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। जिसके मैंने लिए मैंने एक पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हुए हैं। अब हम उस बिस्किट और उसके अंदर रहे हुए इस क्रीम को अलग कर लेंगे। दोनों अलग अलग बाउल में, एक बाउल में क्रीम अलग कर लेंगे, एक बाउल में बिस्किट ले लेंगे। इस तरह से सारे बिस्किट में से हम क्रीम निकाल लेंगे। अब हम जो बिस्किट कटे किए हुए हैं उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और एक मिक्सी जार में इस बिस्किट को पीस लेंगे। उससे पहले हम एक बाउल में 5 चम्मच दूध ले लेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच हम चीनी डाल देंगे। ये देखिए, बिस्किट को मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है और अच्छे से अब इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। छानने में अगर थोड़े से बहुत लम्स रह जाते हैं तो फिर इसको हम फिर से एक बार और मिक्सी जार में क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद फिर से छान देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा बिस्किट का फाइन पाउडर बनके रेडी हो गया है। तो इसका हम अब डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो हमने दूध के अंदर चीनी डाल के रखा हुआ है वो दूध ऐड कर लेंगे और अच्छे से सॉफ्ट वाला डो बना देंगे। फिर से मैं 1/2 चम्मच इसके अंदर फिर से दूध डाल रही हूँ ताकि डो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, डो बन के रेडी हो गया है। तो अब हम जो मैंने क्रीम निकाल के रखी थी उस क्रीम के अंदर 2 टेबलस्पून कोकोनट डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम और ये कोकोनट दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पीसा हुआ कोकोनट लिया है मैंने, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका भी हम एक डो बना लेंगे। अब मैं एक मोदक का मोल्ड ले रही हूँ जिसमें मैं दोनों साइड पहले जो हमने बिस्किट से डो बनाया है उसमें से डार्क वाला 2 साइड पर हम मोदक बनाने के लिए लगा लेंगे डार्क चॉकलेट, और बीच में हम जो क्रीम से हमने जो वाइट डो बनाया है वो लगा लेंगे। इस तरह से फिल करने के बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसके अंदर हम लोग वाइट वाला फिलअप करेंगे ताकि हमारा मोदक खाने में टेस्टी और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, एकदम से शाइनी और सॉफ्ट वाला मोदक बन के रेडी हो गया है। अब हम दूसरी डिज़ाइन का मोदक बनाएंगे। दूसरी डिज़ाइन में मैं मोदक के मोल्ड के एक साइड पर डार्क चॉकलेट वाला हिस्सा लगाऊंगी और दूसरी साइड पर वाइट चॉकलेट वाला हिस्सा लगा लूँगी ताकि हमारा मोदक 2 कलर में डिवाइड हो जाए, एक साइड पे ब्लैक एक साइड पे वाइट। तो हमारा डार्क एंड वाइट दोनों मिक्सड वाला मोदक बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, दूसरा मोदक भी बनके रेडी हो गया है, वाइट एंड ब्लैक वाला। अब हम तीसरा मोदक बनाएंगे। उसमें मैं दोनों कलर को मिक्स करूंगी। आधे पहले मैं डार्क चॉकलेट वाला लूंगी, आधा वाइट, आधा डार्क और आधा वाइट। ऐसे 4 हिस्सों में मैं डिवाइड करके इस तरह से मैं मोदक बनाऊंगी। आप जिस स्टाइल से बनाना चाहे उस स्टाइल से आप अपने हिसाब से मोदक बना सकते हैं। मैंने इस तरह से 3 अलग अलग मोदक बनाए हैं। थोड़ा सा डो बचा है, ये देखिए तीसरा मोदक भी रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा डो बचा है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये बचे हुए डो से मैं पहले वाला सेम मोदक फिर से बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। गणेश जी का अभी उत्सव चल रहा है तो उसमें ये आप ज़रूर ट्राई करना, और आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय अम्बे, जय श्री कृष्ण, जय महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।